नमस्कार, मैं प्रज्ञा धर्द। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार लोक सेवा आयोग ने सोमवार की रात 68वीं संयुक्त परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। आयोग ने परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, अभ्यर्थी इसे देख सकते हैं। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि अंतिम रूप से 322 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। इसमें पटना सिटी की प्रियांगी मेहता राज्य भर में अव्वल रही। कुल टॉप 10 में 6 महिला अभ्यर्थी हैं। LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इसी बीच खबर है कि भारतीय सेना के पश्चिम कमान ने गलती से गोपनीय जानकारी पब्लिक डोमेन में साझा कर दी। हालांकि सेना के हरकत में आने के बाद इसे तुरंत हटा भी लिया गया। फिलहाल सेना की ओर से इस घटना को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। इधर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बीते सप्ताह ही बताया था कि LAC पर हालात स्थिर लेकिन संवेदनशील बने हुए हैं। गया जिले में धीरे धीरे लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिले में 6 नए कोरोना संक्रमित मिलने के बाद मरीजों की संख्या 36 तक पहुंच गई है। वहीं वर्तमान समय में जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 14 है। RT-PCR जांच रिपोर्ट में सभी संक्रमित पाए गए हैं। 6 मरीज मिले हैं, उनमें एक मानपुर व 5 डोभी के हैं। वहीं पूर्व से संक्रमित 4 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इस तरह 14 एक्टिव कोरोना संक्रमित है। ये सभी संक्रमित होम आइसोलेट हैं। भारत की संपत्ति हड़पकर देश छोड़ने वालों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां बड़ा कदम उठाने जा रही है। विदेशों में बैठे भगोड़े को पकड़ने के लिए इन एजेंसियों की टीमें खुद वहां जाकर कार्रवाई को पूरा करने में मदद करेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि टीम का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। इसके अलावा लंदन में भारतीय उच्चायोग द्वारा ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ इनकी बैठकें निर्धारित की गई है। इन बैठकों में लंदन में भगोड़े द्वारा कमाई गई संपत्ति के बारे में पेंडिंग जानकारी और उनके बैंकिंग लेनदेन की डिटेल मांगी जाएगी। बिहार के 4,00,000 नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर बड़ी खबर आई है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड की ओर से सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा विभाग ने BSEB को इसके लिए प्राधिकृत कर दिया है। विभाग की ओर से सोमवार को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। सक्षमता पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। उन्हें परीक्षा देने का 3 बार मौका दिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तापस ड्रोन परियोजना जारी रखेगा। सूत्रों ने कहा है कि एक सशस्त्र बल ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ऑपरेशन के लिए तापस ड्रोन का उपयोग करने में रुचि दिखाई है। रक्षा बलों ने तापस ड्रोन का परीक्षण भी किया है। इस दौरान इसने 28,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी या 18 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरने में सक्षम है। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे 1,00,000 से भी ज्यादा शिक्षकों के अंगूठे के निशान का मिलान किया जा रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा के पहले चरण में नियुक्त हुए सभी शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन के मिलान का काम जिलों में शुरू कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक के निर्देश पर शिक्षकों को चरणवार जिला मुख्यालय में ले जाकर यह मिलान कराया जा रहा है। BPSC की परीक्षा में दिए निशान से शिक्षकों के अंगूठे का मिलान कराया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मोहब्बत की दुकान भी खोली गई है। दरअसल ये दुकान एक बस के रूप में है और इस पर सवारी करने और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के इच्छुक लोगों को एक विशेष टिकट लेना होगा। इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की यात्रा के दौरान की एक तस्वीर छपी होगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने टिकट के साथ तस्वीर खिंचवाई जिसमें टी शर्ट और ट्राउजर पहने राहुल गांधी चलती हुई मुद्रा में है और उनके हस्ताक्षर भी हैं। पिछले एक सप्ताह से पड़ रही भीषण ठंड बच्चों पर भारी पड़ रही है। बच्चों में निमोनिया, वायरल निमोनिया, अस्थमा, सर्दी, खांसी, बुखार और कोल्ड डायरिया जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है। इन बीमारियों से पीड़ित होकर कई बच्चे अस्पताल में भर्ती कराए जा रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में PMCH के शिशु रोग विभाग में 50 से ज्यादा इस तरह से पीड़ित बच्चों को भर्ती कराया गया है। वहीं शिशु रोग विशेषज्ञों में क्लिनिक में प्रत्येक 50 बच्चे में 15 से 20 बच्चे ठंड से पीड़ित होकर पहुंच रहे हैं। स्टार्टअप के लिए भारत दुनिया भर में तीसरा सबसे आकर्षक देश है। शानदार स्टार्टअप इकोसिस्टम के चलते भारत में अब हर साल 36% की दर से स्टार्टअप बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे आगे है। 2023 में 36,000 से ज्यादा स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अनुसार 31 अक्टूबर 2023 तक देश में 1,14,902 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है। 47% स्टार्टअप ऐसे है जहाँ कम से कम एक महिला निदेशक जरूर है। डिपॉजिट लेने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए RBI ने नियमों को सख्त बना दिया है। ये कंपनियां अब जनता से 5 साल तक की परिपक्वता अवधि के लिए ही जमा ले सकती है। पहले यह नियम 10 साल तक का था। इस पर 29 फरवरी तक शेयर धारकों से सुझाव मांगा गया है। RBI ने सोमवार को एक सर्कुलर में कहा कि आवास वित्त कंपनियों को मार्च 2025 तक मंजूर प्रतिभूतियों सहित अपनी कुल तरल संपत्ति को सार्वजनिक डिपॉजिट के 13% से बढ़ाकर 15% करना पड़ सकता है। RBI की मौद्रिक नीति समिति की सदस्य आशिमा गोयल ने कहा कि 2020 के बाद से गंभीर भारी झटकों को सामना करने के बावजूद भारत की बुनियाद मजबूत बनी हुई है। आर्थिक विविधता, पर्याप्त भंडार और व्यवहारिक सुधारों ने नीतियों को महंगाई से निपटने में सक्षम बनाया है। गोयल ने कहा, इस साल महंगाई RBI के 4% के लक्ष्य पर पहुंच सकती है। 2020 के बाद से गंभीर भारी झटके देखने को मिले हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से कनेक्टिविटी वाले 3 राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुछ खंडों में साइकिल 2 और 3 पहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। एक अधिसूचना के अनुसार NHAI ने राजमार्गों के कुछ खंडों पर गैर मोटर चालित वाहनों, कृषि ट्रैक्टरों, मल्टी एक्सल हाइड्रोलिक ट्रेलर वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
रेलवे ने सोमवार को कहा कि रेलवे सुरक्षा बल की महिला कर्मियों ने ट्रेन यात्रा के दौरान 2023 में 206 गर्भवती महिलाओं के प्रसव में सहायता की। जारी आंकड़े में रेलवे ने कहा कि रेल सुरक्षा के तहत बल ने चोरी के 6312 मामले दर्ज किए, जिसमें 12.48 करोड़ रुपए की रेलवे की संपत्ति बरामद की गई और 12099 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन उपलब्धि के तहत दलालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5544 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ 5207 मामले दर्ज किए गए। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन 20 से 23 दिसंबर 2023 तक किया गया था। इस अभ्यास के पहले संस्करण में भारतीय नौसेना के स्वदेशी निर्मित पोत कुलिस और INLCU ने 56 ने भाग लिया, जबकि रॉयल थाई नौसेना की ओर से थाई मजिस्ट्री शिप प्रचुअप खीरी खान ने हिस्सा लिया। इससे पहले द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास के साथ ही भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभियान का 36वां संस्करण भी आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने नवनिर्मित नरेंद्र मोदी गैलरी भी देखी। राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी गैलरी की पहली आगंतुक बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैलरी मंगलवार यानी 16 जनवरी से आम जनता के लिए खोल दी गई है। राष्ट्रपति संग्रहालय में करीब 1.5 घंटे तक रुकी। इस दौरान पुरानी इमारत में संविधान गैलरी भी देखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री संग्रहालय स्थित नरेंद्र मोदी गैलरी में सबसे अधिक समय बिताया। भारत के आसपास व्यावसायिक जहाजों पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय बताते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यह भयानक स्थिति किसी भी देश के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह के खतरों को भारत की ऊर्जा और आर्थिक हितों पर सीधा असर पड़ता है। ईरान की 2 दिन की यात्रा पर सोमवार को तेहरान पहुंचे जयशंकर अपने समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लालियन के साथ द्विपक्षीय बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। भारतीय सेना ने एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक वाली ह्यूमन इन लूप लैंड माइन सिस्टम तैयार किया है। यह एक ऐसा माइनिंग सिस्टम है जिसे सिर्फ अपने ही आर्मी के जवान ही एक्टिवेट कर सकेंगे। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा युद्ध क्षेत्र में अपनी ही बिछाई लैंड माइन से नुकसान नहीं होगा, बल्कि दुश्मन के परखच्चे उड़ जाएंगे। दुनिया के कई देशों में पहले से ही इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत सरकार ने अर्जेंटीना की सरकार के साथ लिथियम की खोज और खनन के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। पर्यावरण हितैषी भविष्य के दिशा में बदलाव के लिए लिथियम बेहद जरूरी है। चिली और बोलीविया के अलावा अर्जेंटीना में लिथियम का बड़ा भंडार है। दुनिया में कुल लिथियम भंडार का आधा हिस्सा इन 3 देशों के पास ही है। मोबाइल फोन के रिचार्ज होने वाली बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन, लैपटॉप और डिजिटल कैमरा आदि की बैटरियों में लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा ग्रुप सी पदों के अंतर्गत कांस्टेबल के पदों पर खेल कोटे से भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। CRPF द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विभिन्न खेलों के लिए कुल 169 कांस्टेबल की भर्ती की जानी है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक भर्ती पोर्टल RECT.CRPF.GOV.IN पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवार 15 फरवरी की दोपहर 12 बजे तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति स्टारर मैरी क्रिसमस को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों से कोई खास रिस्पांस नहीं मिला है। ये फिल्म रिलीज के पहले दिन से ही टिकट खिड़की पर जमे रहने के लिए संघर्ष कर रही है। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो मैरी क्रिसमस ने रिलीज के पहले दिन 2.45 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं दूसरे दिन इस फिल्म ने 3.45 करोड़ रुपये कमाए और तीसरे दिन मैरी क्रिसमस ने 3.83 करोड़ का कलेक्शन किया। मैरी क्रिसमस ने रिलीज के चौथे दिन यानी सोमवार को 1.65 करोड़ की कमाई की है। केंद्र सरकार ने सोमवार को एक बार फिर विंडफॉल टैक्स में बदलाव का ऐलान किया है। सरकार ने इस मामले में एक अधिसूचना जारी करके पेट्रोलियम क्रूड पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को 2300 रुपये प्रति टन से घटाकर 1700 रुपये प्रति टन कर दिया है। यह नई दरें मंगलवार 16 जनवरी 2024 से लागू हो गई है। इससे पहले 2 जनवरी को हुई समीक्षा बैठक में घरेलू स्तर पर उत्पादित होने वाले कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी का फैसला किया था और इसे 1300 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 2300 रुपये प्रति टन कर दिया गया था। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के नामांकन की घोषणा की गई है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में शाहरुख खान की फिल्म पठान का नामो निशान तक नहीं है। हालांकि जवान और डंकी के लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में 2 बार नॉमिनेट किया गया है। लोगों द्वारा पसंद की गई 12वीं फेल को भी कई सारी कैटेगरीज में नामांकन मिले हैं। वहीं रणबीर कपूर और बॉबी देओल की फिल्म एनिमल 19 कैटेगरी में नामांकित हुई है। नीति आयोग ने देश में करीब 25 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने के बारे में जो रिपोर्ट जारी की है, उसके अनुसार सरकार की गई पहलों के कारण यह सफलता हासिल हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत जैसे उल्लेखनीय पहलों ने स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे वंचित रहने में काफी कमी आई है। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 81.35 करोड़ लाभार्थियों को कवर करती है। अपूर्ण KYC वाले फास्टैग 31 जनवरी के बाद बैंकों द्वारा निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। अगर आपके फास्टैग की KYC नहीं हुई है तो पूरी तो 31 जनवरी के बाद वह नहीं चलेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि वैध बैलेंस लेकिन अपूर्ण KYC वाले फास्टैग को 31 जनवरी के बाद बैंकों द्वारा निष्क्रिय या ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। असुविधा से बचने के लिए उपयोगकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके नवीनतम फास्टैग का KYC पूरा हो गया है।
दिल के लिए मरीजों के लिए बनाई एक इमरजेंसी के लिए राम किट बनाई है। इस किट पर भगवान राम की तस्वीर के साथ हम इलाज करेंगे वह इलाज करेंगे लिखा हुआ है। इसमें जरूरी दवा और अस्पतालों के हेल्पलाइन नंबर भी शामिल है। राम किट में 3 जरूरी दवाएं शामिल है, इको स्प्रिन, रोसुवास्टेटिन, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने और सार्बोट्रिट, बेहतर कार्डियक फंक्शन के लिए जो हार्ट डिजीज से पीड़ित किसी को भी जल्द राहत देने में मददगार है। मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मस्जिद का निरीक्षण या सर्वे करने के लिए कमिश्नर नियुक्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वेक्षण पर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर हिंदू संगठन भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य से जवाब मांगा है। घरेलू बाजार में आज सोने चांदी के भावों में मजबूती देखी जा रही है। मांग बढ़ने से भावों में मजबूती आई है। सोना 150 रुपए प्रति 10 ग्राम ऊपर बोला जा रहा तो चांदी में 300 रुपए प्रति किलो का उछाल दर्ज किया गया है। ग्लोबल मार्केट में सोने चांदी के भावों में मजबूती बनी हुई है। ग्लोबल मार्केट में सोना 3.70 डॉलर की मजबूती के साथ 2051.02 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ देखा गया। वहीं चांदी 23.15 डॉलर प्रति औंस पर है। गूगल ने हाल ही में घोषणा की है कि वह गूगल बिजनेस प्रोफाइल का यूज करके बनाई गई वेबसाइटों को बंद करने जा रहा है। कंपनी ने इसके लिए मार्च से 10 जून तक की समय सीमा तय की है। गूगल ने अपने एक ऑफिशियल ब्लॉग में बताया कि मार्च 2024 में बिजनेस प्रोफाइल से बनी वेबसाइटें बंद की जाएंगी और आपकी साइट पर आने वाले यूजर्स को इसके बजाय आपके बिजनेस प्रोफाइल पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। UGC नेट दिसंबर रिजल्ट का इंतजार अब फाइनली समाप्त होने वाला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी सूचना के अनुसार 83 विषयों के लिए आयोजित हुई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का परिणाम 17 जनवरी 2024 को घोषित किए जाएंगे। हालांकि NTA की ओर से रिजल्ट की सूचना में नतीजे जारी होने की टाइमिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे https://ugcnat.nta.ac.in/ पर नजर बनाए रखें जिससे उन्हें अपडेट मिल सके। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, गोलू कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, पवन कुमार चौहान, नौशद राजा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, ठंड में आप अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रख रहे हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।